दोस्तों, एक चीज का रिप्लाई देते देते मैं थक गया हूं। जैसा कि आपको बताया कि मेरा एक चैनल था प्रजापति लाइव, जिसपे 20 कॉपीराइट स्ट्राइक आया था। मैंने कई सारी वीडियो बनाया था, लोगों से हेल्प मांगी, बड़े बड़े यूट्यूबर से हेल्प मांगी। मैं जितने लोगों को जानता था, आई थिंक कम से कम 30-35 लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े मतलब जिनकी ऊपर तक पहुंच है, मैं उनके पास मैसेज किया था, डीएम किया था, सब कुछ किया, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया, किसी का रिप्लाई नहीं आया, और मेरा चैनल डिलीट हो गया। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैं मोटर सर से मिलने गया था, तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ रहे, लोग बोल रहे हैं कि अबे तू अपना दूसरा चैनल प्रमोट करने के लिए मोटल का नाम ले रहा है, डायनमो का नाम ले रहा है, स्काउट का नाम ले रहा है। तो भाई, मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरे चैनल पे जितना भी सपोर्ट मिला है, आप लोगों का प्यार मिला है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि भाई तू सेकेंड चैनल को प्रमोट कर रहा है अपने, उनका नाम लेके, मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें, बहुत फालतू फालतू बातें बोल रहे हैं। तो जो लोग मेरे से पुराने कनेक्ट हुए जानते होंगे मेरे बारे में, आज तक मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया, यह यूट्यूबर ऐसा है, वह यूट्यूबर ऐसा है। देखो, सारे लोग अपने जगह पे अच्छा काम करते हैं, ठीक है, सारे लोग अपने जगह पे अच्छा काम करते हैं। मेरी होप थी कि अगर मैं जाऊंगा उनके पास तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि उनकी पकड़ वहां तक है, पहुंच वहां तक है। देखो, सीधी सी बात है, अगर कोई वेरीफाइड इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई बड़ा डिस्कॉर्ड सर्वर हो, अगर किसी को मैसेज करेगा तो उसको रिप्लाई जल्दी मिलता है। बाकी अगर कोई नॉर्मल यूजर है, जैसे मैं, अगर मैं मैसेज करूंगा तो रिप्लाई नहीं मिलता। जैसे मैं अभी इंस्टाग्राम पे कम से कम 35-40 लोगों को मैसेज किया, जिसमें से कुछ लोग, 2-4-5 लोगों ने रिप्लाई किया, वो अभी मतलब बस भाई नहीं हो पाएगा ऐसा बोल के मतलब हट गए, उन्होंने किनारा ले लिया। फिर मैं मैसेज कर रहा हूँ, उनका आज तक रिप्लाई नहीं आया। एक दो लोग बोले कि भाई हम करवाते हम करवाते, लेकिन अब अगर मैं मैसेज करता हूँ तो वह लोग भी रिप्लाई नहीं दे रहे। देखो, सीधी सीधी बात है, अगर आप गेमिंग कम्युनिटी में हैं, अगर आपकी पहुंच ऊपर तक है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आप एक छोटे यूट्यूबर है, आपकी पहुंच नहीं है, तो फिर आप नील बटा सन्नाटा, मतलब जीरो, कुछ भी नहीं। अब दोस्तों, मैं उन लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो मेरा चैनल डिलीट हुआ है, मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा दूंगा कि मेरा चैनल डिलीट हुआ है, और ताकि उनको विश्वास हो जाए, क्योंकि वह लोग वीडियो पे आके बोलते रहते हैं कि भाई तू अपने सेकंड चैनल को प्रमोट कर रहा है। तो भाई, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा चैनल डिलीट हुआ, उस पर 74K सब्सक्राइबर थे, 74,000 सब्सक्राइबर थे, और 3 साल की मेहनत थी, और मेरा फर्स्ट पेमेंट आने वाला था, वह भी नहीं आया, ठीक है। $201 मैं आपको दिखाया था, मैं आपको वीडियो में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके नीचे वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। इधर देखो, आप देख सकते हैं कि हमने काउंटर नोटिफिकेशन किया था, वह भी वह लोग रिजेक्ट कर दिए, बोले कि नहीं मतलब यह चीज़ माने नहीं आप, और एक्सप्लेन करके बताओ। तो भाई, क्या एक्सप्लेन करें, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, इधर देखो, 13 तारीख को आया था, ठीक है, यह वाला नहीं है, आप देख लो, 1 महीने में हमने कितना रीच किया था, यहाँ पर सब कुछ उन्होंने दिया है। और इधर देखो, 13 अक्टूबर को मेरे चैनल पे 20 कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं 20 कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, जिसके बाद मेरा चैनल डिलीट हुआ, ठीक है। जो लोग मतलब बिलीव नहीं करते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी सारे लोग तो मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, मैं ऐसा फेक वो वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 20 कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, ठीक है, और हमने रीट्वीट भी आपसे करवाया था, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, उसके लिए थैंक यू। अब चलिए, हम आपको उस चैनल पे क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे मैं अकाउंट में आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर अदर अकाउंट में, आप देख सकते हैं कि अदर अकाउंट में नीचे दिस एक्शन मतलब चैनल चला गया, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं होगा, मेरा चैनल चला गया है। अब दोस्तों, अगर मैं जाता हूँ क्रोम में, क्रोम में भी नहीं शो करेगा भाई, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, यही वाला हमारा चैनल था। अभी आप देखना यहां पर क्या आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देख लो। जो लोग भी मुझे बोलते हैं ना, अरे भाई यार ये लोग तो मैसेज कर करके परेशान कर देते हैं, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। दिस अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड बिकॉज वी रिसीव मल्टीपल थर्ड पार्टी क्लेम ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक। देखो, अब तो समझ में आ गया ना कि मेरा चैनल डिलीट हुआ था। भाई अगर अभी भी यकीन नहीं है ना, तो मैं 1 मिनट और एक सबूत दे देता हूँ, ठीक है। मैं अपने इस चैनल पे चलता हूँ प्रजापति लाइव पर, ठीक है, और एक वीडियो प्ले करता हूँ, और
मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाके दिखा देता हूँ। इधर देखो, डिलीट चैनल लिंक प्रजापति लाइव चैनल, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है। देख लो, दिस अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड बिकॉज वी रिसीव मल्टीपल थर्ड पार्टी क्लेम ऑफ कॉपीराइट। वही चीज यहाँ पर शो कर रहा है, यानी जो हमारा चैनल है वह डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो भाई अब दोबारा मुझे यह मत बोलना कि तेरा चैनल डिलीट नहीं हुआ था, तू बेवकूफ बना रहा है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट उस चैनल का दिखा देता हूँ, कितने सब्सक्राइबर थे वो अभी देख लो। वीडियो का मैं कुछ स्क्रीनशॉट लिया था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आपका प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो हमारा चैनल वापस आ सकता है, ठीक है। 50% चांस है। और देखो, जो इंडिया के यूट्यूबर है, गेमिंग कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत लोगों से मदद मांगा, बहुत रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन भाई कोई किसी की हेल्प नहीं करता, ठीक है। सीधी सीधी बात है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो मैं जो फॉरेन के यूट्यूबर है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, डीएम कर रहा हूँ, वो लोग भी रिप्लाई नहीं दे रहे। लेकिन क्या पता अगर कभी रिप्लाई दे दे 2-4, 10 दिन 15 दिन में। तो उनको पबजी मोबाइल का पार्टनर प्रोग्राम मिला हुआ है, ठीक है, पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन हो वो लोग, तो वह लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, बात करके मेरा काम करवा सकते हैं। बाकी और कोई तरीका नहीं है, या तो फिर अगर हम पबजी के डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके मैसेज करें, लेकिन वहाँ पर एक ही रीज़न देती है भाई, क्योंकि अभी इतने लोगों का चैनल डिलीट हो रहा है ना, जो टेंशन वाला है वो अभी कंफ्यूज हो रहा है, तो वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलता, ठीक है। बहुत कम चांस है कि वहाँ से हमको रिप्लाई मिले और हमारा चैनल वापस आ जाए। तो हो सकेगा तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है, शायद हमारा चैनल वापस आ जाए। बट जो लोग बोलते थे कि भाई तेरा चैनल कहाँ डिलीट हुआ था, भाई देख लो, ठीक है, सारी चीज़ें देख लो। अब दोबारा कभी मत बोलना कि तेरा चैनल डिलीट नहीं हुआ, तो मतलब अपने सेकंड चैनल को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए।